दक्कन सभरा में आपका स्वागत है। तेलंगाना मूवमेंट से जन्मी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने अब अपना पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। तेलंगाना सीएम केसीआर की ये पार्टी पूरे भारत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। तेलंगाना से बाहर बीआरएस की पहली पब्लिक मीटिंग का सीएम केसीआर 5 फरवरी 2023 को नांदेड़ से आगाज करेंगे। इसी सिलसिले में पार्टी को मजबूत करने और सीएम केसीआर के कल नांदेड़ में होने वाली पब्लिक मीटिंग में गांव-गांव से पब्लिक को जुटाने के लिए आज मुदखेड़ के गेस्ट हाउस पर बीआरएस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें बीआरएस पार्टी के भैंसा और निर्मल के लीडर्स ने मीडिया को बीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर के कारनामों को बताया और तेलंगाना के डेवलपमेंट को महाराष्ट्र में भी लाने की बात कही। भारत के सियासी पार्टियों में अब एक और नाम जुड़ गया है। सीएम केसीआर को किसानों का मसीहा भी बताया जाता है। इस बीच अब ये पार्टी भारत के सियासी माहौल में कितनी हलचल पैदा करेगी, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। मुदखेड़ से अब्दुल रजा की खास रिपोर्ट। बीआरएस पार्टी का अभी पूरे हर एक जगह वेलकम कर रहे, हम भी जाएंगे जहाँ जाना पड़ेगा हम भी जाके काम करेंगे। हम भी बड़ा गांव वाले वो कर रहे, गांव में पब्लिक जमा करके सुनो अगला इलेक्शन में अच्छे काम करने वास्ते अच्छे काम जो भी रहता उसको वोट देने को पूछेंगे। लोगों में तबियत आते यंग पीपल सुरे सोच रहे, जो भी यंग है जो बिलो 25 ईयर्स का पूरे सोच रहे हैं। बड़े लोग तो बड़े देखे लगा 60 ईयर्स ज्यादा हुआ वो बाजू रखो। अभी यंग जनरेशन वास्ते फ्यूचर क्या है तेलंगाना में? आज बजट पर डेबी पर स्टडी बजट देखे तो 1 रुपया किसी को फायदा देने का बजट नहीं हो। पूरे लोग टोटल हिंदुस्तान में क्रिटिसाइज करे ये बजट में खूब दम नहीं है बोल के बोल रहे। आज डॉलर का रेट क्या है 84 रुपीज हो गया। क्या करे फिर नांदेड़ को कुछ आगे लेके गए क्या? महाराष्ट्र को आगे लेके गए क्या? महाराष्ट्र स्टेट वो तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनकम स्टेट महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा इनकम महाराष्ट्र का है। मुंबई जो फैक्ट्रीज बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उनको उनके इनकम से पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़िया इनकम है। बहुत कुछ कर सकते मगर कुछ काम नहीं कर रहे, ये हमारा कहना है। ज्यादा से ज्यादा लोग कल डे बिफोर लेफ्ट टुमारो अब संडे के दिन आके हमारे सीएम साहब जो बोलते सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछने का पूछो, आपके जो भी मन में है पूछ के रिजल्ट ले लो, बाद में आके चर्चा करो, प्रेस पीपल भी चर्चा करो, पब्लिक भी चर्चा करो, आगे क्या हिंदुस्तान का कैसे आगे ले जाएंगे, किसके किससे हिंदुस्तान आगे जाते वो सोच के अपन काम लेंगे। महाराष्ट्र थर्ड पूरा हो गया, इससे पहले तेलंगाना थर्ड प्लेस पर था, बेंगलुरु पहला था, सेकंड पुणे थे, थर्ड हैदराबाद था। अभी तेलंगाना नंबर वन हुआ, सेकंड बेंगलुरु हो गए, थर्ड पूरा हो गया। किस चीज में हम कमी रहे? पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना है जो समुद्र में पानी मिल जाता, बाद में समुद्र में पानी नमक का पानी बन जाता, वो कहता पीने को क्या काम नहीं आता, कोई एग्रीकल्चर को काम नहीं आता। उससे पहले हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमारा सीएम साहब बनाए लिफ्ट करते पानी वहां से। अभी जाके तेलंगाना में कोई देखो पूरे प्रोजेक्ट फुले, पूरे तालाब फुले, चेक डैम पूरे पानी है, ग्राउंड वाटर का बहुत ऊपर आ गया। खासकर 30-40 फीट डाले तो बोर में पानी आ जा रहा, खासकर को इतना खुश हो जाएगा जितना भी करंट दे लाओ कितने मोटर लगाओ उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये काम तेलंगाना में कर रहे महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते, यूपी में क्यों नहीं कर सकते, बिहार में क्यों नहीं कर सकते, सब जगह कर सकते। उस वास्ते ये अपना एजुकेट करने के वास्ते सीएम साहब आ रहे, आगे दिनों में हम सरपंच को खड़े करेंगे और दूसरा आमदार को खड़े करेंगे, खासदार को खड़े करेंगे। कोई ऑलरेडी गिवन परमिशन बीआरएस पार्टी ऑलरेडी टीआरएस टू बीआरएस कन्वर्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं सर नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का नहीं नहीं कल कांटेस्ट करेंगे। हाँ।